नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सुल्तानपुर की कुछ खास खबरों पर नजर। सुल्तानपुर जिले के दीरा बाजार में नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर किया गया 151 कन्याओं के कन्या भोज का आयोजन। बाजार वासियों द्वारा कन्याओं का पूजन कर किया गया प्रसाद वितरण। शिव मोहन शुक्ल ने सभी कन्याओं का पूजन कर किया द्रव्यदान। वहीं बाजार वासियों का कहना है कि इस प्रकार के आयोजन करने से हम सभी को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा टार्च जलाकर ऑपरेशन, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने इस विषय पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर नित्यानंद चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि बिजली न आने के कारण जनरेटर चलाया गया था, लेकिन अचानक जनरेटर में खराबी आ जाने के कारण टार्च की रोशनी जलाकर ही ऑपरेशन करना पड़ा। सुल्तानपुर जिले के लम्हा तहसील के शाहगढ़ चौराहे पर चल रहा रामलीला का आयोजन, जहां पर हजारों दर्शकों ने रामलीला का अवलोकन कर अपने जीवन को चरितार्थ किया। रामलीला कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शिवशंकर शुक्ल एवं दधीच योगी ने कहा कि रामलीला मंचन का यह आयोजन पिछले 13 सालों से लगातार किया जाता है। समाज में इस प्रकार के आयोजन करने से समाज के लोगों को प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर कादीपुर तहसील में विभिन्न स्थानों पर मां भवानी की भव्य आरती कर लोगों ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर लोगों ने माता रानी के विभिन्न स्वरूपों का पंडाल लगाकर एक मिसाल कायम की। कादीपुर तहसील में श्री राम जानकी मंदिर के पास लगी मां भवानी की प्रतिमा ने सबका मन मोह लिया। वहीं भक्तगणों ने छप्पन भोग लगाकर माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना की। लगातार 9 दिनों तक माता रानी का पूजन अर्चन कर लोगों ने श्रद्धा भाव से मूर्ति विसर्जन कर दिया।